दोस्तों, क्या आप ऐसी डिश बनाना चाहते हो जो 4 से 5 मिनट में बन जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। आज हम सीखेंगे मशरूम फ्राइड राइस कैसे बनाते हैं, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गरम पैन में ले 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ। अब हमें इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब ऐड करें 1 स्लाइस किया हुआ प्याज, 1 और कुछ देर तक इसको टॉस करें। अब इसमें जाएगा 1.5 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमको इसे कुछ देर के लिए पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम स्लाइस किया हुआ मशरूम और इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये मशरूम सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 3 छोटे चम्मच स्प्रिंग ऑनियन और इनको तेज आंच पर पकाएंगे। अब ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम पका हुआ चावल। और मिश्रण को इवनली मिक्स कर लेंगे। फाइनली इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। हमारा स्पाइसी, सिंपल एंड टेस्टी मशरूम फ्राइड राइस खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी और अनोखी रेसिपीज इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और स्वस्थ रहे।